प्रिय आशुतोष, मुझे अभी पता चला कल परसों फोन पर देश के विख्यात कवि पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी, जो तुम्हारे पिता हैं और मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझे बताया कि तुम नगर पालिका के, नगर महापालिका के इलेक्शन में उतरे हो और वार्ड से चुनाव लड़ रहे हो। उन्होंने बड़े संकोच के साथ बताया, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, यूपीएससी 2 बार क्लियर करने के बाद, उसकी परीक्षाएं पास करने के बाद, और एक अच्छे संभ्रांत परिवार में तुमने जन्म लिया, तुम कोई और करियर अपना सकते थे, लेकिन तुमने सामाजिक सेवा और जनसेवा की सबसे छोटी इकाई का चयन किया। ये महत्वाकांक्षाओं की कमी नहीं है, बल्कि ये खुद को मैच्योर करने जैसा है। तो मैं इस बात के लिए तुम्हें बधाई देता हूं कि तुम चुनाव लड़ रहे हो। मैंने तो तुम्हें छोटा सा देखा है, लगातार घर में काम करते हुए, कवियों की सेवा करते हुए, अपने माता पिता के साथ साहित्यिक कामों में हाथ बटाते हुए, जनता की सेवा करते हुए, लेकिन अच्छा लगा कि तुम ये सोच रहे हो कि सबसे छोटी इकाई से इस राजनीति को और इस प्रसंग को समझा जा सके। तुम्हारे दादा का बहुत यश है, उनके अपरार पढ़िए तो पता लगता है वो कितने बड़े कवि रहे हैं। तुम्हारे पिता ने बहुत लोकप्रियता पाई है, न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि उससे बाहर भी। सुरेंद्र दुबे एक ब्रांड के रूप में जाने जाते हैं, जब कोई स्मरण में आते हैं तो सफलता की गारंटी होते हैं। सरकार के बड़े पदों पर रहे हैं, तुमने उस सब वैभव को, यश को पास से देखा है। मेरा अनंत आशीर्वाद है तुम्हें, तुम विजयी तो हो ही जाओगे निश्चित रूप से। ऐसा योग्य और प्रतिभाशाली और पढ़ा लिखा युवक अगर किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करे तो जनता के को भी अच्छा लगेगा, जनता का भी सौभाग्य होगा। पर मैं तुमसे इस बात का वादा चाहता हूँ कि इस छोटी सी यूनिट से अपनी यात्रा शुरू करके इसे आगे तक ले जाओ। वहां समझो कि राजनीति के इस विरूपित वातावरण के पीछे का सत्य क्या है, कैसे हम कर सकते हैं आखिरी आदमी के हित की चिंता पढ़ लिख कर भी राजनीति में आकर। तो मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। जब तक मैं तुमसे मिलूंगा, शायद 27-28 दिसंबर को, तब तक तुम्हारे भाग्य का निर्णय मतदाता कर चुके होंगे, जो कि सकारात्मक ही होगा, मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है, आश्वस्ति है। शुभकामनाएं भी है, जीते रहो। और मुझे शुभकामना भेजने का मन था तुम्हें, तो मैंने भेजा।